तो सब्जी का सारा सामान रेडी हो गया है दोस्तों। ससुर जी के लिए मस्त अंडा करी बन गया दोस्तों। ले तो मेहमान लोग बैठ गए दोस्तों, अब खाना देते हैं। हाँ। निकाल लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, हो गया। तो अब हम लोग खाते हैं दोस्तों अंडा करी। हाँ। है ना? हाँ ना। हाँ, खाइए। हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, ससुर जी आ गए हैं दरवाज़ा लेके, तो आज उनके लिए एकदम स्पेशल खाना बनाने वाले हैं दोस्तों। देखिए, इधर चूल्हा में चढ़ा दिए हैं, अदहन वगैरह सब डाला हुआ है। अब ये गर्म भी हो गया है, इसमें चावल डाल देते हैं। डालिए जी। हाँ। तो अभी कविता जी डाल रही है दोस्तों चावल, और इधर देखिए लक्ष्मी पूरा एकदम यहाँ पर खेल रही है, मेरे गोदी में बैठेगी। कहाँ जाएगी? उधर। चावल नहीं खाना है बेटा। खाने के लिए खोज रही है। तो पहले हम लोग चावल वगैरह बना लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में लगेंगे हम लोग सब्जी वगैरह बनाने में, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में आ रहे हैं ससुर जी। तो हम लोग स्पेशल खाना बनाएंगे उनके लिए, बनाएंगे हम लोग अंडा और आलू का सब्जी मिक्स करके बनाएंगे दोस्तों। आज हम लोग अंडा ही कड़ी बना रहे हैं दोस्तों, आज हम लोग चिकन वगैरह नहीं बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दूर जाना पड़ेगा हम लोग को चिकन लाने के लिए, तो उतना समय नहीं देना चाह रहे हैं ससुर जी। बोल रहे हैं कि तुरंत ही निकल जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग अंडा ही जल्दीबाजी में बना रहे हैं, कड़ी बना देंगे। तो देखिए कविता जी, चावल वगैरह सब डाल दी है, अब यहाँ पर हम लोग आग वगैरह जला देते हैं, फटाफट बनाते हैं खाना, है ना जी। और देखिए यहाँ पर आलू डाल दिए थे दोस्तों चूल्हा में, तो देखिए पक गया है, अब लक्ष्मी खाएगी। लो लक्ष्मी, जलाइए जी आग। तो आग काफी धुआं दे रहा है दोस्तों, तो इसको फूंक देते हैं। इस साइड में लो, जल गया। इस साइड में लो, सीधे नहीं गया। हाँ, दे दीजिए। आग तो जल ही गया दोस्तों, और इधर देखिए खाना वगैरह सब बन ही रहा है, तो सोच रहे हैं कि इधर जो है आलू और अंडा सीझने के लिए दे देते हैं, चढ़ा देते हैं, है ना जी। हाँ। भात भी सीझ जाएगा एक साइड में आलू और अंडा भी सीझ जाएगा साथ साथ। हाँ, हम लोग का जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ससुर जी जाने के लिए खोज रहे हैं। हाँ, तो फटाफट बनाते हैं हम लोग खाना। हाँ, रुको 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 रुको, नाना जी के लिए खाना बना रहे हैं। कौन वाला? तो देखिए कविता जी भी आ गई दोस्तों आलू लेकर के, देखिए पानी भी डाल दी है, अब इसको चढ़ाने जा रही है चूल्हा में, दोनों साथ साथ में सीझ जाएगा। इधर डबक लगा। हाँ, देखिए इधर चावल डबक गया। इतना अच्छा ताव मारा ना, तुरंत सीझ जाएगा। और काठी दे देंगे दोनों साइड में। हाँ, सीझ जाएगा। देखिए हम लोग का बहुत अच्छा सुविधा हो गया दोस्तों, एक साइड में चावल पक रहा है, एक साइड में आलू और अंडा सीझेगा, दोनों साथ साथ में हो जाता है, बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाए हैं। तो भात हम लोग का बन गया है दोस्तों, देखिए क्या ही फ्रेश भात बना हुआ है, और इधर देखिए आलू भी आधा सीझ गया है, अब इसमें डाल देते हैं अंडा। पहले हम लोग डाले नहीं दोस्तों अंडा, क्योंकि जो है ना अंडा जल्दी सीझ जाता है और आलू देर से सीझता है, इसलिए उस समय नहीं डाले थे, अभी डाल दे रहे हैं। देखिए डेक्ची भर गया, फूल हो गया, अब इसको ढक देते हैं। तो आलू अंडा सब सीझ गया होगा दोस्तों, अब देखते हैं। देखिए अंडा का कलर चेंज हो गया है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम सफ़ेद सफ़ेद था, लेकिन देखिए पीला टाइप का लग रहा है देखने में, सीझ गया होगा। उठा के देखते हैं, हो गया जी, हो गया, कलर चेंज हो गया है। फट भी गया है जी। हाँ, ये देखिए पूरा अच्छा से अंडा सीझ गया है। पानी में डाल देते हैं, इस तरह पानी में डालने से ना अच्छा छिलका उतरता है, क्या जी। सब निकल लो, बहुत गर्म है। तो सारा अंडा निकाल लिए दोस्तों, अभी सबको छिलका उतारते हैं। देखिए काफ़ी गर्म है अभी भी,
आज हम लोग घर में गरम खिलाएंगे मेहमान साहब को, है ना जी। देखिए क्या ही मस्त छिलका उतर रहा है दोस्तों, ये देखिए फूट नहीं रहा, मेरा तो अच्छा निकल रहा है जी छिलका। आज हम लोग का फिर कंपटीशन हो रहा है दोस्तों अंडा का छिलका उतारने में, है ना जी। हाँ। देखते हैं कौन सकता है जल्दी। मेरा भी होगा तीन। इधर तो सब छिलका वगैरह उतार लिए दोस्तों, और उधर देखिए कविता जी लग गई मसाला पीसने में, हो गया जी। हाँ, अच्छा थोड़ा बाकी है। देखिए हम लोग का देसी मिक्सी दोस्तों, इसी से हम लोग मसाला वगैरह पीसते हैं, देखिए कितना अच्छा है और तुरंत हो जाता है, और इसका सब्जी इतना अच्छा टेस्ट लगता है ना, पूरा उंगली चाटते रहने का मन करता है, है ना जी। ये सब हम लोग गाँव देहात में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे इधर ना यही सब मिलता है, पत्थर का लोढ़ी सिलौठा एकदम पूरा प्रसिद्ध है हम लोग का मिक्सी में, है ना जी। तो सब्जी का सारा सामान रेडी हो गया है दोस्तों, और देखिए इधर कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं, अब यहाँ पर तेल वगैरह डालते हैं। उधर तेल गरम हो रहा है दोस्तों, तब तक अंडा को छेदा कर देते हैं, नहीं तो पूरा फूटने लगता है, इस तरह से होल कर देते हैं। तो सारा अंडा में छेदा कर दिए हैं दोस्तों, और इधर देखिए तेल भी गरम हो ही गया है, अब वहाँ पर डाल देते हैं अंडा को, पहले बढ़िया से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद में सब्जी बनाएंगे। देखिए क्या ही मस्त फ्राई हो रहा है दोस्तों अंडा, ये देखिए लाल होना शुरू हो गया। तो काफ़ी टेस्टी हम लोग बना रहे हैं दोस्तों अंडा करी, ससुर जी खुश हो जाएंगे खा करके। देखिए क्या ही मस्त फ्राई हो रहा है, ये देखिए धीरे धीरे लाल होना शुरू हो गया। तो पूरा अच्छा तरह से लाल हो गया है दोस्तों, अब इसको उतार देते हैं। देखिए सब अंडा लाल हो गया है, देखिए इधर सब रेडी है दोस्तों, प्याज मिर्चा टमाटर सब काट लिए हैं, अब डाल देते हैं प्याज मिर्चा को, पहले ये सब लाल हो जाएगा उसके बाद में टमाटर डालेंगे। इसी साथ में भुजा जाएगा, तो आलू भी भुजा ही गया है दोस्तों, अब इसमें नमक वगैरह डाल देते हैं, लेकिन यहीं पर सब रहता है एक ही गो में। देखिए ये हुआ नमक, और उधर देखिए दोस्तों हम लोग का देसी मिक्सी में ये है मसाला पिसा हुआ, अब इसको डाल देते हैं। मस्त खुशबू आ रहा है दोस्तों, पूरा भुजा रहा है, तो क्या जी लक्ष्मी अंडा खाना शुरू कर दी। हाँ। अच्छा तो पानी वगैरह सब डाल दिया दोस्तों, और देखिए पूरा एकदम अच्छा तरह से खोल गया है, अब इसमें डाल देते हैं अंडा। ससुर जी के लिए मस्त अंडा करी बन गया दोस्तों, देखिए क्या ही मस्त खुशबू आ रहा है, और एकदम गाढ़ा करी बन गया है, ये देखिए आलू के साथ में मिक्स कर दिए हैं अंडा को, देखिए कितना अच्छा लग रहा है एकदम देखने में। अब ये रेडी हो गया है दोस्तों, अब इसको उतार देते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म बन गया है ससुर जी के लिए अंडा करी, वाह। खाना पीना तो हम लोग का बन ही गया है दोस्तों, अब हम लोग खाना लगाते हैं, लगाइए जी। हाँ। तब तक हम चलते हैं दोस्तों, मेहमान सबको दे देते हैं लोटा पानी, देखिए इधर लोटा रखा हुआ है, यहाँ पर पानी है। ले। दे। चला। हाँ चल बाबू अब
देखे रहा लाथिन अखन घूमे घूमे धोई ले तो अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर लेदरा वगैरह बिछाते हैं। देखिए इधर लेदरा है, बिछा बता बैठ तो ही माने में बैठ है कि ताकि ते माने माने में बैठ बैठ हमें तो चला ही कैन तो मेहमान लोग बैठ गए दोस्तों, अब खाना देते हैं। हाँ निकाल लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ हो गया तो अब हम लोग खाते हैं दोस्तों अंडा करी। हाँ है ना। हाँ ना। हाँ खाइए। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त है। अच्छा है तो अच्छा, हम भी टेस्ट करते हैं। थोड़ा पानी दीजिए। पानी लीजिए। तो खाना पीना सभी कोई खा लिए दोस्तों। हाँ। सिर्फ कविता जी नहीं खाई है, तो बाद में खा लेंगे। और अभी लोग निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी रात भी हो गया है। इन लोग को रहने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, लेकिन रह नहीं रहे हैं क्योंकि गाड़ी वगैरह लेके आए हैं, फिर कहीं जाना है बुकिंग में, तो इसीलिए अभी निकल रहे हैं, है ना। तो बढ़िया से जाइएगा। हाँ, ड्राइवर साहब चले गए उधर, गाड़ी निकाल लिए हैं, अभी लोग चलेंगे। हाँ 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 तो ये लोग जा रहे हैं दोस्तों, अब हम लोग भी चलते हैं, है ना जी। ठीक बढ़िया से निकला भाई। हाँ निकला। हाँ लगा ले फिर चल। तो अब वो लोग चले जाएंगे दोस्तों, अब हम लोग भी चलते हैं, ठंडा लगने लगा, अब चलते हैं, जैकेट वगैरह पहनते हैं, है ना जी। देखिए पूरा एकदम शीत गिरना शुरू हो गया है, तो चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग आराम करते हैं, है ना जी। चलिए अभी खाना पीना खा लीजिए। देखिए काफ़ी मस्त दरवाज़ा ला दिए हैं दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम डिजाइन बना दिए हैं, और अच्छा लकड़ी भी है, ये देखिए एकदम प्लेन कर दिए हैं। बीट वाला है ना। हाँ बीट वाला एकदम दरवाज़ा है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये सब लगने के बाद दिखेगा दोस्तों, अभी तो यहाँ पर ऐसे ही खड़ा है, इसको बाद में लगाएंगे, अभी लग जाता है, लेकिन रात हो गया ना इसलिए नहीं लग पाया। और देखिए ठढ़िया कितना मजबूत ला दिए हैं, सबसे हैवी यही वाला है ना। मोट भी है। हाँ भारी भी है। सबसे अच्छा ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, पांच आदमी उठा ना सके। ये सब तो हल्का है का। हाँ वो सब हलूक है, ये सब भारी है। तो अभी काफ़ी रात हो गया है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, आराम करते हैं। कविता जी खाना नहीं खाई है, तो आप खाना खाएगी, है ना जी। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।